इंटरनेट के इस दौर में भले ही इंसान खुद में सिमट गया, लेकिन बॉर्डर इलाकों में हालात बिल्कुल उल्टे नजर आते हैं। दरअसल सैटेलाइट के जरिए शेष दुनिया से जुड़ने के लिए यहाँ पूरा गांव एक ही छत के भीतर नजर आता है। ये नजारा कुछ ऐसा ही है जैसा 80 के दशक में टीवी को लेकर दिखाई देता था। जी हाँ, चाइना बॉर्डर के करीब बसे नाबी गांव में शाम होते ही सभी गांव वाले एक छत के नीचे जमा हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नगरी न्यूज में, मैं करीमा आपके साथ। नाबी गांव में गांव वाले देर रात तक मोबाइल के जरिए शेष दुनिया से जुड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पिथौरगढ़ के बॉर्डर इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं है। ऐसे भी सरकार ने इन इलाकों में एक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम उपलब्ध कराया है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट एक फिक्स रेंज में ही काम करता है, इसलिए शाम होते ही इन इलाकों में लोग कुछ ऐसे ही एक छत के नीचे जमा होने लगते हैं। कोई इंटरनेट कॉल से अपनों से जुड़ता है तो कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि गाँव के सामाजिक कार्यकर्ता मदन सिंह का कहना है कि पूरा गाँव इंटरनेट से जुड़ने की चाहत में एक जगह आता है, इसी बहाने लोग एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन ये नजारा गिने चुने बॉर्डर के गांवों में ही देखने को मिलता है। गांव वाले रात में देर तक इंटरनेट से जुड़े रहने के लिए एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ ही देश और दुनिया में क्या चल रहा है ये जान सके। ये नजारा कुछ ऐसा ही होता है जैसा 80 के दशक में टेलीविजन को लेकर दिखाई देता था। 80 के दशक में यह वो दौर था जब गिने चुने लोगों के पास ही टीवी हुआ करता था। ऐसे में गांव हो या फिर मोहल्ला, सभी का जमावड़ा टीवी वाले घर पर ही लगा रहता था। नाबी गांव आज उस एक टीवी वाले घर की याद दिला देता है। नाबी गांव के एक वासी हीरा सिंह का कहना है कि कई बार नेट कनेक्ट करने में काफी दिक्कत भी आती है, घंटों तक इंतजार करने के बाद कुछ समय के लिए ही नेट जुड़ पाता है। बता दें कि पिथौरगढ़ में ब्यास और दारमा घाटी के गाँवों में सैटेलाइट इंटरनेट की सेवा दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम की अपनी सीमाएं भी हैं। यह सिस्टम में एक समय में सिर्फ 14 यूजर ही सही से काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं। ऐसे में बॉर्डर के ग्रामीण भी अब देश के अन्य हिस्सों के तरह इंटरनेट यूजर बनना चाहते हैं। अब यह देखना बाकी है कि सरकार इनकी फरियाद आखिर कब पूरा करती है।